तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप यहाँ पे कुछ वैसी मूवीज वगैरह फॉरन मूवीज वगैरह देखते हैं, एक्स वीडियोज वगैरह देखते हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होती होगी कि जैसे ही कुछ सर्च करने जाते हैं गूगल में, तुरंत यहाँ पे नीचे आ जाता होगा एक्स वीडियो या कुछ इस तरह से लिखा हुआ, मतलब तरह तरह की जो साइटें होती हैं आ जाती है। तो जिसकी वजह से यदि आपका फ़ोन घर पर कोई लड़का यूज करता है, बच्चे यूज करते हैं, तो तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। इस तरह की यदि आपकी सर्च हिस्ट्री है तो आपके कहीं ना कहीं क्रेडिट के ऊपर मतलब लोग तरह तरह की यहाँ पर बातें करते रहते हैं, करने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे यदि ऐसी वीडियो देखते हैं तो उससे पहले एक बात का ध्यान ये भी दे दीजिए कि इसको कैसे डिलीट किया जाता है। इस वीडियो में आपको सिखा देता हूँ कि हिस्ट्री कैसे डिलीट किया जाता है। यदि आप ऐसी वीडियो वगैरह देखते हैं तो कैसे सर्च हिस्ट्री डिलीट करेंगे, हम इसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका टेक ज्यादा यूट्यूब चैनल पर। आइए सीख लेते हैं आज की इस वीडियो में आपको करना क्या है। इस सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए गूगल की सभी एप्लीकेशन एक बॉक्स में दी रहती हैं। जैसे देख सकते हैं मेरी गूगल की एप्लीकेशन गूगल के नाम से एक फाइल में यहाँ पे दिया है। मेरे जितने गूगल के ऐप हैं कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जी जो लिखा है गूगल जी वाला फर्स्ट वाला, इस पर गूगल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, दोबारा से टैप करना चाहूँगा ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मोर का, इस मोर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। मोर वाले ऑप्शन पे जैसे ही टैप करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा योर डेटा इन सर्च, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, नीचे आते जाना आपकी सभी एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई देंगी। नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट लास्ट आवर और फिर है डिलीट ऑल सर्च एक्टिविटी। यदि आप जितना कुछ सर्च किए सबको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑल सर्च एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि जो मैंने एक घंटे के अंदर जो सर्च किया वो डिलीट बस हो जाए तो डिलीट लास्ट आवर के ऑप्शन पर क्लिक करेगा। लेकिन उससे पहले तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप अपने फ़ोन का डेटा कनेक्शन ऑन कर लीजिएगा। मेरा वाईफाई कनेक्ट है आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम बैक आएंगे और यहाँ पे देख लीजिए डेटा कनेक्शन ऑन करके आप बैक आएंगे, और बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए डिलीट लास्ट आवर है, डिलीट ऑल सर्च एक्टिविटी है। तो हमको हमेशा की जो हमारी हिस्ट्री है सर्च वाली, हमेशा की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं जो टोटल है सर्चिंग वाली, तो हम डिलीट ऑल सर्च एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। उसके बाद दो मिनट के अंदर यहाँ पे देखिए डिलीटिंग लिख के डिलीट ऑल एक्टिविटी लिख दिया। अब हमारा जो सर्च हिस्ट्री है ना सब डिलीट हो चुकी है। अब आप जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे आपकी पुरानी हिस्ट्री नहीं रहेगी, देखिए सब कुछ नया आ गया। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी रही आपके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।